In this video, we will discuss physics paper of 5th September. First shift. In this question, a quantity Z is given. Z is equal to A square B to the power 2 by 3 divided by root C and D to the power 3. Okay. Percentage error in A, B, C, and D is given. We have to find Maximum percentage error in calculation of Z. We know that delta Z by Z is equal to 2 delta A upon A plus 2 by 3 delta B upon B plus 1 by 2 delta C upon C plus 3 delta D upon D.

उसमें परसेंटेज एरर गिवन है टू परसेंट बी जो है उसमें परसेंटेज एरर गिवन है वन पॉइंट फाइव परसेंट सी में परसेंटेज एरर फोर डी में परसेंटेज आ रहा टू पॉइंट फाइव तो हमारे पास जो फाइनल आंसर है वो आ जाएगा फोर्टीन पॉइंट फाइव परसेंट इस क्वेश्चन में पहले सी कैपेसिटेंस वाले कैपेसिटर को वी वोल्टेज से चार्ज किया टू सी कैपेसिटेंस वाला जो कैपेसिटर है उसे टू सी वोल्टेज से चार्ज किया तो पहले देख लेते हैं बना लेते हैं एक बार इन दोनों पे चार्ज किस तरह से ये सी है ठीक है और ये वाली प्लेट प्लस ये वाली माइनस ठीक है और इसके ऊपर चार्ज जो है वो सीवी अपियर हो जाएगा दूसरा जो कैपेसिटर है इसकी कैपेसिटेंस टू सी के इक्वल है ठीक और इसे टू वी वोल्टेज से हमने चार्ज किया है स्प्लेट पे प्लस स्प्लेट पे माइनस टोटल जो है उसपे फोर सी चार्ज आ जाएगा ठीक अच्छा जा, उसके बाद क्वेश्चन में इस तरह से गिवन है।, है और ये सी वाला है ठीक इस तरह से दोनों कैपेसिटर को बैटरी रिमूव कर दी कंप्लीटली चार्ज होने के बाद और दोनों कैपेसिटर को इस तरह से पैरल में पैरल कॉम्बिनेशन में कनेक्ट किया है इन सच ए वे दैट पॉजिटिव प्लेट ऑफ वन इज कनेक्टेड विद नेगेटिव प्लेट ऑफ अदर ठीक तो इस प्लेट पे पहले चार्ज था प्लस इस पे था माइनस ठीक है इसके ऊपर चार्ज था सी और इसके ऊपर चार्ज था फोर ठीक अच्छा अब देखते हैं ठीक है आफ्टर रिडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज ठीक अज्यूम कर लेते हैं इस प्लेट के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है इस प्लेट के ऊपर भी पॉजिटिव चार्ज है इस प्लेट पे क्यू वन चार्ज है और इस प्लेट पे क्यू टू चार्ज है अगर हम इस आइसोलेटेड सिस्टम की बात करें ठीक है तो इस आइसोलेटेड सिस्टम के लिए फ्रॉम चार्ज कंजर्वेशन चार्ज कंजर्वेशन से हम लिख सकते हैं क्यू वन प्लस क्यू टू इज इक्वल टू अच्छा इस प्लेट पे पहले फोर प्लस फोर सीवी चार्ज था और इसमें माइनस सीवी चार्ज था तो दोनों प्लेट्स पे टोटल चार्ज की वैल्यू जो है वो प्लस थ्री सीवी थी और अब इस प्लेट पे प्लस क्यू वन इस प्लेट पे प्लस क्यू टू तो हम बोल सकते हैं क्यू वन प्लस क्यू टू इज इक्वल टू थ्री सीवी एक तो ये हो गई इक्वेशन दूसरा दोनों कैपेसिटर जो है वो पैरेलल में कनेक्टेड है इफ टू कैपेसिटर्स आर कनेक्टेड इन पैरेलल देन दे आर एट सेम पोटेंशियल प्लेट्स के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो सेम होना चाहिए तो हम लिख देंगे क्यू वन डिवाइडेड बाई टू सी फ्रॉम वन एंड टू ठीक हमारे पास आ जाएगा क्यू वन की वैल्यू टू सीवी और Q2 जो है उसकी वैल्यू CV ठीक फिर एनर्जी स्टोर लिखते हैं फर्स्ट कैपेसिटर में एनर्जी स्टोर जो है वो हो जाएगी क्यू स्क्वाइडेड बाई टू इन कैपेसिटेंस प्लस चार्ज का स्क्वायर डिवाइडेड बाय टू मल्टीप्लाइड बाय कैपेसिटेंस Q1 और Q2 की वैल्यू जब रखेंगे यहां पर तो आंसर आएगा थ्री सीवी स्क् रीडिस्ट्रीब्यूशन से डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है तो फाइनल एनर्जी स्टोर जो है वो फाइंड आउट करनी थी उसकी वैल्यू थ्री इन दिस क्वेश्चन ए हेलीकॉप्टर स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट फ्रॉम द ग्राउंड ग्राउंड है और से हेलीकॉप्टर जो है वो रेस से स्टार्ट होता है और वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन जी से चलते जाता है ठीक है तो आफ्टर सम टाइम इट रीच हाइट एच ठीक है उस इंस्टेंट पे ठीक है हेलीकॉप्टर जो है उसने कुछ वेलोस्टी अटेन कर ली होगी उसे यू लिख देते हैं ठीक है और हेलीकॉप्टर से एक ऑब्जेक्ट जो है स्टोन जो है उसे ड्रॉप करते हैं तो जिस पॉइंट पे स्टोन ड्रॉप करते हैं उस पॉइंट पे स्टोन की जो स्पीड है वो भी सेम होगी ठीक है ध्यान रखना है जब भी किसी मूविंग ऑब्जेक्ट से किसी छोटे ऑब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट को ड्रॉप करते हैं डिटैच करते हैं ठीक है तो उस ऑब्जेक्ट की जो वेलोसिटी है वो जहां से डिटैच हुआ है उसके इक्वल होने वाली है ठीक तो ये भी यू तो अब स्टोन जो है वो थोड़ा ऊपर जाएगा और फिर वापस ग्राउंड पे पहुंचेगा हमें डिटैच होने के बाद स्टोन को टोटल ग्राउंड तक पहुंचने में कितना टाइम लग रहा है वो फाइंड आउट करना है ठीक तो सबसे पहले तो हम यू जो है उसकी वैल्यू फाइंड आउट करते हैं फाइनल वेलोसिटी इज इनिशियल वेलोसिटी जीरो एक्सेलरेशन अपर डायरेक्शन में जी है और डिस्प्लेसमेंट एच यहां से हम बता देंगे u इज इक्वल टू रूट टू जी एच ठीक तो हमारे पास u की वैल्यू कैलकुलेट होगी ठीक है फिर फॉर स्टोन फ्रॉम ए टू बी ठीक है स्टोन के ऊपर हम इक्वेशन ऑफ मोशन अप्लाई कर रहे हैं क्योंकि यहां पे देखो स्टोन जो है वो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ये ऐसे बोले मोशन अंडर ग्रेविटी में मूव करेगा तो हमें टाइम फाइंड आउट करना है एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर ठीक है जो हमारा जनरल साइन कन्वेंशन है उसका यहाँ पे हमें थोड़ा ध्यान रखना है ठीक है ताकि हम जल्दी से क्वेश्चन जो है वो सॉल्व करके बता पाए ठीक एस ये इनिशियल ये फाइनल तो अपवर्ड डायरेक्शन वाले वैक्टर्स को हम पॉजिटिव एज्यूम करते हैं डाउनवर्ड डायरेक्शन वाले वैक्टर्स को नेगेटिव तो ए से बी तक जो डिस्प्लेसमेंट है उसकी वैल्यू हो जाएगी माइनस एच सी बी जो मोशन है उस मोशन में पार्टिकल जो है वो यूनिफॉर्मली ग्रेविटी के अंडर मूव कर रहा है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटीड वर्टिकली डाउनवर्ड्स की वैल्यू हम लिख देंगे माइनस जी टी स्क्टिक बनेगी क्वाडेटिक जो है उसके दो रूट होंगे ठीक है तो यहां पर हम पॉजिटिव वाला रूट जो है वो सिलेक्ट करेंगे क्योंकि दूसरा रूट जो है उससे वैल्यू नेगेटिव आ रही होगी ठीक तो हमारे पास इस तरह से आ जाएगा रूट टू की वैल्यू जो है वो वन पॉइंट फोर यूज कर लेते हैं थ्री पॉइंट फोर एच जी तो यहां से हमें टाइम मिल जाएगा जो ऑब्जेक्ट को ए से बी तक वापस ग्राउंड पे पहुंचने में लग रहा है इन दिस क्वेश्चन थ्री डिफरेंट प्रोसेसेस आर गिवन फॉर ए आइडियल मोनाटमिक गैस तो एक बार डायग्राम बना के देख लेते हैं अपन ये दोनों जो प्रोसेस हैं या जो कर्व हैं दीज आर टू आइसोथर्म्स ये टीवन है ये टी टू है टी वन इज ग्रेटर देन ये पॉइंट ए से बी एक प्रोसेस है ठीक अच्छा ए से बी जो प्रोसेस है उसमें टेम्परेचर जो चेंज हुआ है दैट इज इक्वल टू टी वन माइनस टी टू इनिशियल टेम्परेचर टी टू फाइनल टेम्परेचर टी वन इस तरह से प्रोसेस है ठीक या ए सी 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 जो पॉइंट है वहां पे भी टेम्परेचर की वैल्यू टी वन है और डी जो पॉइंट है वहां पे भी टेम्परेचर की वैल्यू जो है वो टी वन के इक्वल है सो हम बोल सकते हैं डेल्टा टी इज इक्वल टू चेंज इन टेम्परेचर टी वन माइनस टी टू फॉर ऑल थ्री प्रोसेसेस ठीक है तीनों जो प्रोसेस है उसके लिए डेल्टा टी की वैल्यू सेम है तो हम बोल सकते हैं डेल्टा ई चेंज इन इंटरनल एनर्जी इज सेम फॉर ऑल प्रोसेस ठीक है सारे प्रोसेस के लिए जो चेंज इन इंटरनल एनर्जी की वैल्यू है वो भी सेम होगी जो गिवन ऑप्शन हैं उनमें केवल एक ही ऑप्शन ऐसा है जिसमें तीनों प्रोसेस के लिए चेंज इन इंटरनल एनर्जी सेम है ठीक तो हम उस ऑप्शन को सही कर देंगे ओके अच्छा जो गिवन ऑप्शन जो जे ने आंसर दिया है उस आंसर के अकॉर्डिंग यहां पे थोड़ी सी डिस्क्रिपेंसी लग रही है ठीक बिकॉज ए टू बी वर्क जो है वो तो ग्रेटर देन जीरो वो जीरो है बट ए टू डी जो वर्क है ठीक दैट शुड बी नेगेटिव देखो यहां पे जो है वो वॉल्यूम कंटिन्यूसली डिक्रीज हो रहा है लेकिन जो ऑप्शन हम सेलेक्ट कर रहे हैं उस ऑप्शन में गिवन है वर्क ए डी इज ग्रेटर तो ये ध्यान रखना है बट इसके अकॉर्डिंग अगर हम जाएं तो ये केवल एक ही ऑप्शन है जिसमें तीनों प्रोसेस के लिए चेंज इन इंटरनल एनर्जी सेम है इन दिस क्वेश्चन एन इलेक्ट्रिकल पावर लाइन है पावर लाइन का उसका रेजिस्टेंस टू ओम के इक्वल है ठीक तो लिख लेते हैं रेजिस्टेंस इज इक्वल टू टू ओम ये जो पावर लाइन है ये वन किलो वॉट और वी कैन से थाउजेंड वॉल इतनी पावर जो है वो डिलीवर करती है टू हंड्रेड ट्वेंटी वोल्ट पे ठीक तो यहां पे हम करंट की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं करंट विल बी इक्वल टू पी अपॉन वी इज इक्वल टू थाउजेंड डिवाइडेड बाय टू हंड्रेड ट्वेंटी ठीक है तो यहां पे हमारे पास करंट की वैल्यू फाइंड कर ली ठीक अच्छा इसके बाद पूछा है कि जो पावर लाइन है उसमें खुद में कितनी हीट डिसिपेट हो रही है जिसकी वजह से उसकी एफिशिएंसी 100 परसेंट नहीं है ठीक है तो फाइनली हमें एफिशिएंसी जो है वो पता लगानी है ठीक तो सबसे पहले तो हम पावर डिसिपेटेड कितनी पावर जो रेजिस्टेंस है उसमें यूज हो रही है उसमें खर्च हो रही है इज इक्वल टू आई स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई Are, by इसकी जो वैल्यू है ये आ जाएगी हमारे पास अप्रोक्सीमेटली फोर्टी वन वॉट ठीक है एग्जैक्ट कैलकुलेशन की रिक्वायरमेंट नहीं है क्योंकि जो हमारे फाइनल ऑप्शन हैं, वो काफी सेपरेटेड हैं, दूर दूर हैं एक दूसरे से ठीक तो, एफिशिएंसी, ठीक है परसेंटेज में अगर बतानी है तो हम बता देंगे थाउजेंड माइनस फोर्टी वन डिवाइडेड बाई थाउजेंड मल्टीप्लाइड बाई हंड्रेड ये जो वैल्यू है ये आ जाएगी नाइन्टी सिक्स परसेंटेज ठीक तो गिवन ऑप्शंस में केवल एक ऑप्शन है नाइन्टी सिक्स दूसरा ऑप्शन नाइन्टी वन जो कि काफ़ी कम है इसलिए हमें एग्जैक्ट कैलकुलेशन के बिना भी हम बता सकते हैं कि इसकी जो वैल्यू है रफली नाइंटी सिक्स परसेंट की इक्वल आ रही है इस क्वेश्चन में गिवन है, है, है? है साथ ही साथ और भी कहा है कि डिस्प्लेसमेंट जो है वो डिपेंड करता है ऑन स्पीड डेंसिटी एंड फ्रीक्वेंसी ठीक तो हमें जो है वो डिस्प्लेसमेंट एम्पलीट्यूड का ऑर्डर या उसकी अप्रॉक्सीमेट वैल्यू फाइंड आउट करनी है ठीक तो हम ऐसे लिख सकते हैं ठीक डेल्टा पी के तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है बट वॉल्यूम वेलोसिटी जो है उस पर डिपेंड कर रहा है तो इसको बता देते हैं वेलोसिटी की पावर ए डेंसिटी की पावर बी और फ्रीक्वेंसी की पावर सी ठीक तो दोनों तरफ अगर हम डायमेंशन जो है वो लिखें तो हमारे पास इस तरह जाएगा डायमेंशन ऑफ सी इज इक्वल टू तो डेल्टा पी के वी की पावर ए, एरो की पावर बी और फ्रीक्वेंसी की पावर सी डिस्प्लेसमेंट जो है उसके डायमेंशन होते हैं एल की पावर वन डेल्टा पी ठीक प्रेशर एम वन एल वन टी माइनस वन और फ्रीक्वेंसी होता है टाइम यहां पर देखो ऐसे लिख सकते हैं एम जीरो में मास की जो पावर है वो सारी कलेक्ट करते हैं वन प्लस बी ठीक ये हो गया मास फिर देखते हैं एल माइनस वन माइनस ए माइनस थ्री बी और फिर टी टी की पावर माइनस टू माइनस ए माइनस सी इज़ इक्वल टू अब लेफ्ट और राइट साइड में अगर हम पावर्स जो हैं वो कंपेयर करें तो हमारे पास इस तरह से आएगी इक्वेशन वन प्लस बी इज इक्वल टू जीरो ठीक लेंथ के डायमेंशंस माइनस वन माइनस ए माइनस थ्री बी इज इक्वल टू वन और टाइम माइनस टू माइनस ए माइनस सी इज इक्वल टू ज़ीरो ठीक ये तीनों इक्वेशन अगर हम सॉल्व करें तो हमारे पास वैल्यूज इस तरह से आ जाएंगी ए माइनस वन बी माइनस वन सी माइनस वन तीनों की वैल्यू जो है वो सेम आ रही है ठीक फिर ये जो फॉर्मूला है इसे इस तरह से लिख सकते हैं डेल्टा पी एफ ठीक क्वेश्चन के अंदर गिवन है कि ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल इस तरह से है और ये जो प्रोपोर्शनलिटी कॉन्स्टेंट है उसकी वैल्यू वन एज्यूम कर लेंगे ठीक क्वेश्चन के अंदर डेल्टा पी वी एफ और रो सबकी वैल्यूज जो है वो गिवन है वैल्यूज रखेंगे तो हमारे पास जो आंसर है वो कुछ इस तरह से आ जाएगा वन अपॉन थ्री हंड्रेड एम एम ठीक लेकिन ये किसी भी ऑप्शन से मैच नहीं कर है। तो इसका जो नियरेस्ट ऑप्शन है थ्री बाई हंड्रेड ठीक वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा इन दिस क्वेश्चन बुलेट ऑफ मास एम फाइव ग्राम इस ट्रेवलिंग विद स्पीड टू हंड्रेड टेन मीटर पर सेकेंड ठीक है और ये जो है एक फिक्स्ड वुडन टारगेट से जाके हिट करती है स्ट्राइक करती है तो बुलेट की जितनी भी काइनेटिक एनर्जी थी उसका हाफ काइनेटिक एनर्जी तो हीट में ट्रांसफर होके बुलेट को मिल जाता है और जो बाकी हाफ काइनेटिक एनर्जी है वो हीट में ट्रांसफर्म होके जो वुडन टारगेट है उसे मिल जाता है तो जो बुलेट ने हीट रिसीव की है वो अपनी काइनेटिक एनर्जी का हाफ होगा हीट रिसीव बाय बुलेट इज इक्वल टू तो काइनेटिक एनर्जी और उसका भी हाफ ठीक तो फिर वी हैव टू तो फाइंड चेंज इन टेम्परेचर ऑफ दी बुलेट जो बुलेट है उसके मटेरियल की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी जो है वो हमें गिवन है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी की वैल्यू है जीरो पॉइंट जीरो थ्री जीरो कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस ठीक और वन कैलोरी जो है वो अर्ग्स में कन्वर्टेड है वन कैलोरी इज इक्वल टू फोर पॉइंट टू मल्टीप्लाइड बाई टेन टू दावर सेवन ठीक तो ये जो है वो सीजीएस यूनिट में गिवन है हम इसे कन्वर्ट कर देंगे जूल में वन कैलोरी इज इक्वल टू फोर पॉइंट टू जूल ठीक तो हीट रिसीव्ड इतनी है हीट कौन लिख सकते हैं मास हीट डेल्टा टी इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर डिवाइडेड बाई फोर तो मास की यहाँ पे रिक्वायरमेंट नहीं है डेल्टा टी डेल्टा टी इक्वल टू वी स्क्वायर टू वन जीरो मल्टीप्लाइड बाय स्पेसिफिक हीट ध्यान रखना है स्पेसिफिक हीट जो है उसकी हमें एसआई SI यूनिट ही यूज करनी है जीरो पॉइंट जीरो थ्री जीरो ये कैलोरी पर ग्राम है तो इसे पहले तो टेन टू दावर थ्री से मल्टीप्लाई कर दें तो ये हो जाएगा कैलोरी पर किलोग्राम पर डिग्री सेल्सियस ठीक अच्छा फिर इसे जूल में कन्वर्ट कर देते हैं तो एस की वैल्यू हो जाएगी जीरो पॉइंट जीरो थ्री जीरो मल्टीप्लाइड बाई टेन मल्टीप्लाइड फोर पॉइंट टू जूल पर किलोग्राम डिग्री सेल्सियस ऐसा यूनिट में यूज करेंगे तभी यहां पे डिग्री सेल्सियस या कैलविन वाले स्केल पे टेम्परेचर का डिफरेंस पता चलेगा तो डेल्टा टी की जो वैल्यू है वो आ जाएगी यहां पर

तो हम लिख सकते हैं आर एक्टिविटी एट एनी टाइम इज इक्वल टू इनिशियल एक्टिविटी आर नॉट इनिशियल एक्टिविटी ठीक सो आर इज इक्वल टू आर नॉट ई टी दो पार माइनस लेमडा टी यहां पे लेमडा जो है दैट इज डीके कॉन्स्टेंट ठीक ठीक है टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड दोनों तरफ लॉग ले लेते हैं एल एन आर इज इक्वल टू माइनस लेमडा टी प्लस एल एन आर नॉट ठीक है अब आर नॉट जो है वो तो कॉन्स्टेंट है ठीक इसे कंपेयर करते हैं कंपेयरिंग विद इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन स्ट्रेट लाइन की जो इक्वेशन होती है उससे कंपेयर करते हैं वाई इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी ठीक तो सी जो है वो तो कांस्टेंट है और एम होता है स्लोप ठीक है तो यहां पे अगर हम कंपेयर करेंगे तो स्लोप जो है वो आ जाएगा हमारे पास माइनस लेमडा तीनों ग्राफ जो है वो स्ट्रेट लाइन है तो तीनों के लिए स्लोप हम इजीली बता सकते हैं तीनों ग्राफ को देख के हम ये भी बता सकते हैं कि तीनों का स्लोप जो है वो नेगेटिव है ठीक तो हम केवल लेमडा की वैल्यू जो है वो वहां पर रखने वाले हैं ठीक सबसे पहले देखता हूं लेमडा वन चल लेमडा वन लेमडा वन की वैल्यू जो है वो हम इस ग्राफ को देख के बता सकते हैं सिक्स अपॉन्ट टेन ठीक है वाई डायरेक्शन में वाई इंटरसेप्ट जो है वो सिक्स है एक्स इंटरसेप्ट जो है वो टेन के इक्वल है ठीक लेमडा टू जो है उसकी वैल्यू हो जाएगी सिक्स अपॉन फाइव एंड सिमिलरली लेमडा थ्री की वैल्यू जो है वो हो जाएगी टू अपॉन फाइव टी हाफ टी हाफ जो है वो होता है जीरो पॉइंट सिक्स नाइन थ्री या फिर एल एन टू डिवाइडेड बाई लेमडा तो हम ये कह सकते हैं टी हैफ हाँ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लेमडा ठीक है तो ये जो तीनों एक्सप्रेशन है यहाँ से हम बता सकते हैं लेमडा वन इज़ टू लेमडा टू इज़ टू लेमडा थ्री इज इक्वल टू सिक्स अपॉन टेन सिक्स अपॉन फाइव टू अपॉन फाइव इसे फिर हम आगे जो है वो लिख सकते हैं साथ ही साथ हम ये भी बता सकते हैं टी वन ठीक है फर्स्ट वाले का टी हाफ सेकेंड वाले का टी हाफ थर्ड वाले का टी हाफ विल बी इक्वल टू वन अपॉन लेमडा वन वन अपॉन लेमडा टू वन अपॉन लेमडा थ्री तो इसकी जो वैल्यू है हमारे पास आ जाएगी टू इस टू वन इस टू थ्री ठीक है तो हमारा जो आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर वन इन दिस क्वेश्चन, डिस्क हैविंग मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई इज रोटेटिंग फ्रीली ऑन ए शाफ्ट विद एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा तो एक बार पहले हम डायग्राम बनाते हैं तो शाफ्ट जो है वो कुछ इस तरह से होगा और इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई है ठीक है।, है और ये फ्रीली एंगुलर स्पीड ओमेगा जो है उससे रोटेट कर रही है ठीक अच्छा फिर क्या होता है यहाँ पे हम एक नई डिस्क जो है वो भी लाकर लगा देते हैं और दोनों डिस्क जो है वो सेम शाफ्ट पे ठीक है पहले वाली थी आई और जो नई डिस्क है उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया थ्री आई ठीक तो दोनों डिस्क जो है वो सेम एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा वन से रोटेट करने लगेंगी ठीक हमें फाइंड आउट करना है कि जो काइनेटिक एनर्जी है उसमें कितना फ्रैक्शनल लॉस है तो पहले तो हम काइनेटिक एनर्जी का लॉस जो है वो फाइंड आउट करते हैं उसके बाद देखेंगे कितना फ्रैक्शन है ठीक अप्लाइंग कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम क्वेश्चन में गिवन है कि डिस्क और शाफ्ट जो है वो फ्रीली रोटेट कर रहे हैं इसका मतलब कोई भी एक्सटर्नल बाहर से टॉर्क नहीं है ठीक तो इस शाफ्ट के अलोंग इस एक्सेस के अबाउट जो एंगुलर मोमेंटम है दैट विल रिमेन कंजर्व एल आई इज टू एल एफ इनिशियल विल बी आई ओमेगा एंड फाइनल विल थ्री आई टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया इंटू ओमेगा यहां से हमारे पास आ जाएगा ओमेगा वन इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी इनिशियल पहले केवल इक्विड थी हो जाएगी हाफ आई ओमेगा स्क्वायर कैनेटिक एनर्जी फाइनल इज इक्वल टू हाफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया है आई प्लस फोर आई सॉरी आई प्लस थ्री आई इन ओमेगा वन स्क्वायर इसकी वैल्यू आ जाएगी आई ओमेगा स्क्वायर डिवाइडेड बाई एट नाउ फ्रैक्शनल लॉस ठीक है कितना पार्ट कितना फ्रैक्शन उसका लॉस हो गया है उसे मैं लिख सकता हूँ काइनेटिक इनिशियल माइनस काइनेटिक फाइनल डिवाइडेड बाय काइनेटिक इनिशियल ठीक ये वैल्यू आ जाएगी हमारे पास थ्री बाई फोर फ्रैक्शन लॉस ठीक तो यहाँ पर सेवेंटी फाइव परसेंट जो काइनेटिक एनर्जी है वो लॉस हो गई है इस क्वेश्चन में जो रेजोनेंस ट्यूब है उसकी दो सक्सेसिव लेंथ गिवन है ठीक है फर्स्ट लेंथ की वैल्यू है सेवनटीन सेंटीमीटर और सेकेंड लेंथ जो है उसकी वैल्यू है ट्वेंटी फोर पॉइंट फाइव सेंटीमीटर ठीक है और स्पीड ऑफ साउंड जो है वो भी गिवन है थ्री हंड्रेड थर्टी मीटर पर सेकेंड ठीक है वी हैव टू फाइंड फ्रीक्वेंसी ठीक तो वी नो स्पीड ऑफ साउंड यूजिंग रेजोनेंस ट्यूब इज

ठीक जो स्क्वायर लूप है उसके साइड है टू ए स्क्वायर लूप के साइड टू एज्यूम कर लेते हैं इसमें करंट इस डायरेक्शन में ऐसे आई फ्लो कर रहा है ठीक तो इस स्क्वायर लूप का जो मैग्नेटिक मोमेंट होगा उसे हम लिख सकते हैं ठीक अच्छा इसकी जो डायरेक्शन होगी वो वाई एक्स कैप की डायरेक्शन में हो जाएगी ठीक तो ये हमने मैग्नेटिक मोमेंट लिख दिया अच्छा यहां पर एक इंफेनिट लेंथ का वायर है विच इज पैरल टू जेड एक्सिस जेड एक्सेस जो है उसके पैरल है ठीक है और वायर जो है वो यहां से ठीक है जीरो कॉमा बी कॉमा जीरो से पास हो रहा है ठीक मतलब यहां से इसका जो डिस्टेंस है उस डिस्टेंस की वैल्यू हो जाएगी बी ठीक है और क्वेश्चन में गिवन है बी इज वेरी वेरी लार्ज कंपेयर टू ए इस वायर में भी करंट आई जो है वो फ्लो कर रहा है ठीक अच्छा तो यहाँ पे जो लूप की पोजीशन है वहां पे हम मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू जो है वो लिख सकते हैं ठीक है वायर के सरफेस पे या इसके प्लेन में हमें मैग्नेटिक फील्ड जो है वो लिखना है ठीक है ड्यू टू दिस वायर इसमें खुद के मैग्नेटिक फील्ड की वजह से खुद पे ही फोर्स अप्लाई नहीं करना है ठीक है जो ये वायर है इस वायर की वजह से यहाँ पे जो भी मैग्नेटिक फील्ड है उसकी वजह से कितना टॉर्क अप्लाई होगा ठीक इसके वैल्यू को लिख सकता हूँ यूनोट आई डिवाइडेड बाई टू पाई बी ठीक लेकिन ये डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट जो है उनका इस वायर से डिस्टेंस जो है वो सबका तो बी नहीं होगा बहुत इधर उधर होगा है ना कम ज्यादा डिस्टेंस होना चाहिए ठीक लेकिन फिर भी ये फॉर्मूला जो है ये वर्क करेगा बिकॉज़ क्वेश्चन ठीक इस वायर की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड है वो इस डायरेक्शन में होगा ठीक है मैग्नेटिक मोमेंट अपवर्ड डायरेक्शन में ठीक और मैग्नेटिक फील्ड जो है वो इस डायरेक्शन में, ठीक है, x-अक्ष के अलांग, मैग्नेटिक मोमेंट, y-अक्ष के अलांग, ठीक। तो जब हम टॉर्क लिखेंगे, टॉर्क होता है, म्यू क्रॉस बी, ठीक। तो जो टॉर्क है, वो z-अक्ष के अलांग आ जाएगा, ठीक है, म्यू और बी, इन दोनों के बीच में जो एंगल है, इसका मैग्निट्यूड लिखते हैं ह� ठीक है तो टॉर्क का जो मैग्नेट है यह आ जाएगा म्यू म्यू को लिख देता हूँ आई फोर ए स्क्वायर बी बी की जगह म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाई टू पाई बी इज इक्वल टू म्यू नॉट टू म्यू नॉट आई स्क्वायर ए स्क्वायर डिवाइडेड बाई By B. ठीक है ये हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड जो है सॉरी टॉर्क जो है उसकी वैल्यू आ जाएगी इस क्वेश्चन में एक होलोस्फेरिकल शेल जो है वो गिवन है और ये जो शेल है इट जस्ट फ्लोट्स इनसाइड वाटर ठीक है? इस तरह से और इसके अंदर एक कंसेंट्रिक स्फेरिकल कैविटी है जो कैविटी है उसका रेडियस स्मॉलर है और इसका रेडियस है आर यहाँ पे देखो मेटीरियल जो है वो यहीं पे ठीक और ये जो है ये लिक्विड में फ्लोट कर रही है ठीक है ठीक कंप्लीटली सबमर्ज कंडीशन में ठीक क्वेश्चन में गिवन है इसके मटेरियल की डेंसिटी डी लिक्विड की रो देन डी बाय रो इज इक्वल टू ट्वेंटी सेवन डिवाइडेड बाई एट ठीक है ये डेटा क्वेश्चन जो है उसमें गिवन है हमें फाइंड आउट करना है स्मॉलर जो है वो आर के टर्म्स में कितना होगा ठीक फॉर फ्लोटेशन ठीक है जब भी कोई ऑब्जेक्ट जो है वो फ्लोट करता है तो हम लिख सकते हैं बाइंड फोर्स इज इक्वल टू वेट ऑफ ऑब्जेक्ट ठीक है ऑब्जेक्ट के वेट के इक्वल बाइंड फोर्स इज इक्वल टू एम जी ठीक है बाइंड फोर्स जो है वो होगा वॉल्यूम ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड मल्टीप्लाइड बाई डेंसिटी मल्टीप्लाइड बाई जी या डायरेक्टली बोलें तो ऐसे बोल सकते हैं वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड ठीक है वेट जो है वो फाइंड आउट करेंगे पहले तो वॉल्यूम मल्टीप्लाइड बाई डेंसिटी ऑफ लिक्विड और फिर जी से मल्टीप्लाई कर देंगे ठीक जो स्फेरिकल शेल है उसका कंप्लीट वॉल्यूम हो जाएगा फोर बाई थ्री पाई आर क्यूब रो जी बाइंड देखो अंदर तो कैविटी है तो पहले तो हम वॉल्यूम फाइंड आउट करते हैं कितने वॉल्यूम के अंदर जो मेटीरियल है वो भरा हुआ है देखो पूरा वॉल्यूम हो जाएगा फोर बाई थ्री पाई कैपिटल आर क्यूब कैविटी का वॉल्यूम हो जाएगा फोर बाई थ्री पाई स्मॉल आरक्यूब कंप्लीट वॉल्यूम में से कैविटी का वॉल्यूम सब्टैक्ट कर देंगे तो हमारे पास मटेरियल जो है उसका वॉल्यूम आ जाएगा मल्टीप्लाइड बाई डी मल्टीप्लाइड बाई जी इसकी जो वैल्यू है आरक्यूब माइनस ये हमारे पास है 8 डिवाइडेड बाय 27 ठीक है यहाँ पे गिवन है ना ये वाला रेशियो यहाँ से देखो ठीक है इसकी जो एग्जैक्ट वैल्यू है वो आती है 0.886 ठीक है ये किसी भी ऑप्शन से मैच नहीं कर रहा है ठीक है लेकिन अगर हम ध्यान से देखें तो ये वैल्यू वैल्यू जो है वो 8 बाय 9 के इक्वल है एट बाई नाइन जो है उसकी वैल्यू होती है जीरो पॉइंट हाँ, आगे ठीक है तो हमें बहुत ज्यादा दूर तक देखने की जरूरत नहीं है हम बता सकते हैं कि ये वाली वैल्यू जो है वो के इक्वल होगी ठीक है अच्छा कई बार ऐसा होता है कि हम यहाँ तक पहुंच गए लेकिन हम आगे जो है वो डिसाइड कैसे करें कि जो गिवन ऑप्शन है उनमें से कौन सा ऑप्शन सेलेक्ट करें जैसे यहाँ पर टू बाई थ्री जो है वो भी गिवन है ठीक है वन बाई थ्री गिवन है और फोर बाई नाइन जो है वो भी गिवन है ठीक हमारे पास ऑप्शन है वन बाई थ्री फोर बाई नाइन टू बाई थ्री और ये करेक्ट वाला ऑप्शन ठीक अच्छा क्यूब रूट ऑफ नाइनटीन ठीक है क्यूब रूट ऑफ एट जो है ये टू के इक्वल होता है और क्यूब रूट ऑफ ट्वेंटी सेवन जो है ये थ्री के इक्वल होता है ठीक है तो नाइनटीन जो है वो कहीं पे टू और थ्री के बीच में ठीक है इसका जो क्यूब रूट है वो टू और थ्री के बीच में आना चाहिए ठीक तो इसका जो क्यूब रूट होगा वो रफली 2.5 या 2.4 जो है वो हम लिख सकते हैं ठीक है तो यहां पर देखो 2.5 डिवाइडेड बाय 3 इसकी जो वैल्यू है वो पॉइंट से ज्यादा आएगी ठीक है हम एग्जैक्टली क्यूब रूट कैलकुलेट नहीं कर रहे हैं इसकी जो वैल्यू होगी वो पॉइंट से ज्यादा होगी ठीक है ये हम रेंडम सा सिंपल सा गैस मार सकते हैं कि एट का क्यूब रूट टू ट्वेंटी सेवन का क्यूब रूट थ्री तो नाइनटीन जो है वो इन दोनों के बीच में से लाई कर रहा है ना लगभग मिडवे के आसपास है तो इसका क्यूब रूट जो है वो टू पॉइंट फाइव के आसपास होना चाहिए ठीक तो यहाँ पे है ठीक तो हम रफ से, से भी आंसर बता सकते हैं इस क्वेश्चन में ये पूछा है कि अर्थ के सरफेस से आर बाई टू हाइट पे जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू है अर्थ के सरफेस से कितनी डेप्थ पे उतनी ही वैल्यू वापस से होगी अगर कहीं से भी हाइट एच पे पहुंचते हैं ठीक है और यहां पे मान लो डेप्थ डी है ठीक है हम जानते हैं जी जी की वैल्यू जो है वो हो जाएगी जी एम डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। ठीक तो जी डैश किसी भी हाइट एच के लिए ठीक है ध्यान रखना आर रेडियस ऑफ़ ये हो जाएगा जी एम डिवाइडेड बाई आर प्लस एच का स्क्वायर जी डैश इज इक्वल टू जी एम डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं वन प्लस एच अपॉन आर का स्क्वायर और जी एम अपॉन आर स्क्वायर जो है उसे हम लिख सकते हैं स्मॉल जी एक्सेलरेशन डू टू ग्रेविटी एट सरफेस ऑफ अर्थ जैसे जीवन लिख देते हैं एच की वैल्यू आर बाई टू तो यहां पे तो लिख दूंगा जी वन प्लस आर बाई टू डिवाइडेड बाई आर ठीक ये जो वैल्यू है ये आ जाएगी फोर बाई नाइन जी ठीक तो Earth के सरफेस से आर बाई टू हाइट पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू फोर बाई नाइन जी हो जाएगी वैल्यू होती है जी वन माइनस डी बाई आर ठीक अच्छा क्वेश्चन में कहा है कि इस डेप्थ पे ग्रेविटेशन की वैल्यू जो है वो जीवन इसके इक्वल हो जाए इसका मतलब फोर बाई नाइन जी के बराबर यहां से हमारे पास आएगा d upon R is equal to 5 by 9। इस क्वेश्चन में हमें बताना है कि फोटो जो है उसमें रिवर्स बायस वोल्टेज इंक्रीज होने पे जो फोटो करंट है उस पर क्या इंपैक्ट आएगा ठीक है ये जो क्वेश्चन है ये डायरेक्टली थ्योरी पे बेस्ड है ठीक एक बार हम ग्राफ बनाते हैं पहले आई वर्सेज वी डायोड जो है वो रिवर्स बायस में वर्क करता है रिवर्स बायस में वो कुछ इस तरह से वर्क करता है ठीक है स्टार्टिंग में जैसे जैसे वोल्टेज की वैल्यू को हम नेगेटिव बनाते हैं ठीक है तो करंट जो है वो करते वैल्यू तो जो है वो कॉन्स्टेंट हो जाती है उससे ज्यादा अगर आप बायसिंग वोल्टेज जो है उसे इंक्रीज करते हो तो करंट की वैल्यू पे कोई भी इंपैक्ट नहीं आता ठीक तो हम कह सकते हैं इंक्रीजेज Initially, n becomes saturated. ठीक है? Saturated means constant. ठीक? And becomes saturated after some time. After some times हमारा मतलब है, अगर आप voltage को कंटिन्यूसली इंक्रीज करते जाओगे रिवर्स नेगेटिव डायरेक्शन में ठीक तो कुछ टाइम के बाद जब सफिशियंट नेगेटिव वोल्टेज पे पहुंच जाएगा उसके बाद करंट की वैल्यू सेचुरेटेड कॉन्स्टेंट हो जाएगी इन दिस क्वेश्चन वी हैव ए सॉलिड स्फीयर सॉलिड स्फीयर जो है उस पर टोटल चार्ज है कैपिटल क्यू प्लस स्मॉल क्यू ठीक अच्छा सॉलिड स्फीयर के यहां से एक छोटा सा पार्टिकल जो है वो डिटैच हो जाता है ठीक ये जो पार्टिकल है इसके पास चार्ज है क्यू तो हम बोल सकते हैं सॉलिड स्फीयर जो है इसके पास बचा हुआ चार्ज होगा या जो रिमेनिंग चार्ज है दैट विल बी इक्वल टू क्यू? ये पार्टिकल यहां से डिटैच होता है और इट स्टार्ट मूविंग अंडर इंफ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी ठीक है ग्रेविटी में फॉल करने लगता है नीचे की तरफ आने लगता है ठीक है इसका मास है वी हैव टू फाइंड इस पॉइंट पे इस चार्ज पार्टिकल की स्पीड कितनी होगी ठीक है ये वाई डिस्टेंस से फॉल करता है ठीक है तो यहां पर देखो किसी भी तरह से कोई एनर्जी का लॉस नहीं हो रहा है सो वी कैन यूज कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी सेलेक्ट लिख देंगे डेल्टा यू प्लस डेल्टा के इज इक्वल टू जीरो ठीक है अच्छा चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी प्लस चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ये ध्यान रखना है कि पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पर दो टाइप की हैं एक इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी एक ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी प्लस डेल्टा यू इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी प्लस डेल्टा के जब ये पार्टिकल वाई हाइट से नीचे आता है तो ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी में जो चेंज है दैट विल बी इक्वल टू माइनस एन जी वाई ठीक अब आते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी पे ठीक यहां पे देखो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी जो है एक तो स्फीयर जो है उसमें यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है उसकी सेल्फ पोटेंशियल एनर्जी भी होगी बट वी आर इंटरेस्टेड ओनली इन द पोटेंशियल एनर्जी विच इज चेंजिंग केवल वही पोटेंशियल एनर्जी पर ध्यान देंगे जिसमें कुछ चेंज आ रहा है जो सॉलिड यूनिफॉर्मली चार्ज स्फीयर है इसकी सेल्फ पोटेंशियल एनर्जी में किसी तरह से चेंज नहीं आ रहा है तो हम इस स्फीयर की और इस चार्ज की जो इंट्रैक्शन पोटेंशियल एनर्जी है केवल वही लिखने वाले हैं ठीक डेल्टा यू इलेक्ट्रोस्टेटिक पोटेंशियल एनर्जी डेल्टा यू मीन्स फाइनल माइनस इनिशियल तो इस स्फियर और इस चार्ज की जब यहाँ पे है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी जो है वो हो जाएगी के क्यू क्यू डिवाइडेड बाय आर प्लस वाई ये तो फाइनल हो गई इनिशियल जब चार्ज जो है वो यहां पे था इसके सरफेस पे डेल्टा के इनिशियल जीरो थी फाइनल वी हो गई स्क्वायर वी स्क्वायर जो है उसकी वैल्यू हमारे पास यहां से आएगी ठीक है उसके बाद हम करेक्ट ऑप्शन बता सकते हैं इस क्वेश्चन में एक गैलोनो मीटर को वन वोल्टेज की रेंज जो है उसके वोल्टमीटर में कन्वर्ट किया है बाई हैं किस तरह से कनेक्ट किया होगा इसके साथ आर वन जो है वो सीरीज में कनेक्ट किया यहाँ पे करंट मैक्सिमम आईजी फ्लो कर सकता है सो तो ये जो अरेंजमेंट है इट विल एक्ट एज ए वोल्टमीटर ऑफ रेंज वन वोल्ट ठीक तो वोल्टमीटर के लिए फॉर्मूला हम इस तरह से लिख सकते हैं आई जी आर वन प्लस जी जी जो है वो गैलोनोमीटर का रेजिस्टेंस है ठीक है वी जो है इसकी वैल्यू है वन ठीक है? अच्छा फिर हमें क्या करना है हम चाहते हैं कि इसी गैलोनोमीटर में ठीक है एक एक्स्ट्रा नया रेजिस्टेंस कनेक्ट करें सो so दैट इसकी जो रेंज है वो टू वोल्ट हो जाए ज विल बी इक्वल टू आई जी आर वन प्लस जी प्लस ठीक है सीरीज में इको रेजिस्टेंस कनेक्ट किया तो इसकी रेंज जो है वो इंक्रीज हो जाएगी ठीक है v1 जो है इसकी वैल्यू है 2 वोल्ट ठीक है पहले थी 0 टू 1 वोल्ट दैट मींस मैक्सिमम वोल्टेज 1 अब यहां पे मैक्सिमम वोल्टेज जो है वो 2 हो सकता है ठीक तो हम ये कह सकते हैं ये वाली जो वैल्यू है वो पुरानी वाली वैल्यू से डबल है तो अगर मैं दोनों का रेशियो ले लू तो हमारे पास जो है वो आ जाएगा ठीक हमें एक नया रेजिस्टेंस कनेक्ट करना है जिसकी वैल्यू होगी आर वन प्लस जी के बराबर इन दिस क्वेश्चन वी हैव टू फाइंड नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ ए मोनोटोमिक गैस इनसाइड ए गिवन वॉल्यूम ठीक है टेम्परेचर जो है वो डायरेक्टली गिवन नहीं है ठीक है बट उस टेम्परेचर पे जो मॉलिक्यूल्स हैं, उनकी एवरेज काइनेटिक एनर्जी गिवन है ठीक वी नो दैट काइनेटिक एनर्जी ठीक है ध्यान रखना है एवरेज या मीन ऑफ गैस मॉलिक्यूल ठीक ये होती है मोनाटमिक गैस है तो थ्री बाई टू के टी के जो है वो बोल्डमैन कांस्टेंट बोल्डमैन कांस्टेंट को मैं लिख सकता हूं आर डिवाइडेड बाई एवेग्रो नंबर ठीक तो इसे लिख देता हूं कैपिटल के ठीक है ये हमने लिखा है काइनेटिक एनर्जी ठीक यहां से देखो आर मल्टीप्लाइड बाई टी जो है इसकी वैल्यू आ जाएगी टू काइनेटिक एनर्जी एवेगेड्रो नंबर डिवाइडेड बाई थ्री नेक्स्ट हम लिखते हैं आइडियल गैस इक्वेशन। आइडियल गैस इक्वेशन में पी वी इज इक्ल टू एन आर टी पी प्रेशर ऑफ मोल्स नंबर ऑफ मोल्स को मैं लिख सकता हूं टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स डिवाइडेड बाय एवेग्रो नंबर मल्टीप्लाइड बाय आर इनटू टी तो यहां से हम बता सकते हैं एन टोटल नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स जो है इसकी वैल्यू होगी पी वी मल्टीप्लाइड बाई एन ए डिवाइडेड बाई आर टी अगर आर टी की वैल्यू हम यहां से यूज करते हैं तो नंबर ऑफ जो है वो आ जाएगा पी वी डिवाइडेड बाई आर टी जाएगा टू के ए नंबर थ्री ठीक है सो so, इसकी वैल्यू आ जाएगी थ्री पी वी डिवाइडेड बाई टू के पी प्रेशर है इसकी वैल्यू है रो जी एच अब हमें जो भी वैल्यूज हैं सारी के सारी वैल्यूज सीजीएस सिस्टम में गिवन है हम उनको जल्दी से एसआई आई सिस्टम में कन्वर्ट कर देंगे रो डेंसिटी ऑफ 13.6 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब तो ये हो जाएगी 13,600 किलोग्राम पर मीटर क्यूब जी की वैल्यू 9.8 और हाइट है 2 सेंटीमीटर दैट मीनस टू अपॉन हंड्रेड वॉल्यूम फोर सेंटीमीटर क्यूब फोर सेंटीमीटर क्यूब जो है उसे मैं लिख सकता हूँ फोर मल्टीप्लाइड बाई मीटर क्यूब काइनेटिक एनर्जी काइनेटिक एनर्जी जो क्वेश्चन में उसमें गिवन है फोर मल्टीप्लाइड बाई टें इसे लिख देंगे फोर मल्टीप्लाइड बाई टेंल्टीप्लाइड टेंट दोपहर माइनस सेवन जू वैल्यू जो है वो हो जाएगी फोर मल्टीप्लाइड बाई टें पावर माइनस ट्वेंटी वन जून ठीक ये तीनों वैल्यूज अगर हम यहां पे रखें तो हमारे पास जो है एन की वैल्यू ये आ जाएगी थ्री पॉइंट नाइन नाइन एट ठीक है तो हम इसे रफली जो गिवन ऑप्शन है उसके इक्वल रख देंगे ठीक है टोटल नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स इलेक्ट्रॉन जो, जो है वो एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का जो फील्ड है वहां पर मूव कर रहा है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो गिवेन है थर्टी जी कै

फाइव मल्टीप्लाइड टू ये आ जाएगी थ्री इंटू टेंट दावर एट मीटर पर सेकेंड ये जो वैल्यू है ये तो सी के इक्वल है ठीक है तो हमारे लिए पर चेक करना है कि कितनी स्पीड से वो ट्रेवल कर रही है ठीक अच्छा फिर आगे चलते हैं फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड का जो मैग्नीट्यूड है मैक्सिमम एम्पलीट्यूड इलेक्ट्रिक फील्ड का वो जाएगा थर्टी ठीक हम जानते हैं स्पीड किसी भी मीडियम में जो स्पीड है दैट इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड एम्पलीट्यूड डिवाइडेड बाई मैग्नेटिक फील्ड का एम्पलीट्यूड तो यहां से हम बता सकते हैं कि बी नॉट जो है मैग्नेटिक फील्ड का एम्पलीट्यूड, इसकी वैल्यू हो जाएगी ई नॉट डिवाइडेड बाई सी ठीक यहां पे हमें केवल मैग्नेटिक फोर्स जो है उसके बारे में बात कर रहे हैं ठीक है मैग्नेटिक फोर्स जो है वो हो जाएगा क्यू वी बी मैक्सिमम मैग्नेटिक फील्ड तब फोर्स तब होगा जब मैग्नेटिक फील्ड जो है वो मैक्सिमम होगा ठीक है तो मैक्सिमम मैग्नेटिक फोर्स इज इक्वल टू चार्ज स्पीड मल्टीप्लाइड बाई बी नॉट ठीक है मतलब मैग्नेटिक फील्ड मैक्सिमम पे उसी इंस्टेंट पे फोर्स की वैल्यू मैक्सिमम होगी क्यू क्यू को लिख देता हूं 1.6 पॉइंट सिक्स मल्टीप्लाइड बाई टेन टप माइनस वी

एंगल ऑफ इंक्लेनेशन ऑफ ए वर्टिकली अपर्ड मूविंग बलून इज ऑब्जर्व फ्रॉम टू डिफरेंट पॉइंट यहाँ पे था और जब यहाँ से देखते हैं तो बलून यहाँ तो पर है ये वाली हाइट एच वन की है और ये वाली जो हाइट है ये एच टू की है ठीक यहाँ पर पॉइंट्स जो हैं वो भी ड्रॉ कर रखे ए बी इसको बोल देते हैं सी इसको बोल देते हैं डी और इसको E ठीक अच्छा ये वाला जो डिस्टेंस है दिस इज इक्वल टू डी ठीक और ये वाला जो डिस्टेंस है इसकी वैल्यू यहाँ पर इस शो कर रखी है 2.464 ये वाला एंगल जो है इसकी वैल्यू है 45 डिग्री और ये वाला जो एंगल है इसे हम लिख सकते हैं 30 डिग्री ठीक तो यहाँ पर हमारे पास दो राइट एंगल ट्राइंगल्स बन रहे ठीक है और हमें एस टू की वैल्यू जो है वो फाइंड आउट करके बतानी है ठीक है सबसे पहले बात करते हैं ट्राइंगल e, इस राइट एंगल ट्राइंगल में हम लिख सकते हैं टेन फोर्टी फाइव इज इक्वल टू एच वन अपॉन डी टेन फोर्टी फाइव की वैल्यू वन तो यहां से हम बता देंगे एच वन की वैल्यू जो है वो डी के इक्वल ठीक फिर आते हैं बड़े वाले दूसरे राइट एंगल ट्राइंगल पे ट्राइंगल ई डी e, ट्राइंगल ई डी e, में हम लिख सकते हैं टेन थर्टी इज इक्वल टू एच वन प्लस एच टू डिवाइडेड बाई डी प्लस टू पॉइंट फोर सिक्स फोर डी ठीक टेन थर्टी जो है उसकी वैल्यू होगी वन अपॉन रूट थ्री क्वेश्चन जो है वहाँ पे टेन थर्टी की वैल्यू हमें गिवन है पॉइंट फाइव सेवन सेवन फोर जीरो पॉइंट फाइव सेवन सेवन फोर इज इक्वल टू एच वन जो है उसकी वैल्यू भी हमें पता है डी प्लस एच टू डिड बाई थ्री पॉइंट फोर सिक्स फोर डी ठीक यहां से जब हम कैलकुलेट करेंगे तो एच टू की वैल्यू अप्रोक्सीमेटली डी के इक्वल आ जाएगी इन दिस क्वेश्चन वी हैव टू ग्राफ ऑफ वर्सेज यू फॉर ए कॉन्केव लेंस ठीक है तो सबसे पहले हम कंप्लीट ग्राफ जो है वो किस तरीके का बनता है वो ड्रॉ करके देखते हैं ग्राफ जो है वो कुछ इस तरीके का बनता है ठीक है यहां पर u और v जो है उनका एग्जैक्टली यूजल मीनिंग है ठीक है u इज पोजिशन ऑफ ऑब्जेक्ट v इज पोजिशन ऑफ इमेज लेकिन क्वेश्चन जो है उसमें इस तरह से मेंशन है u कॉमा वी डिस्टेंस ठीक तो यहां पे डिस्टेंस जो है वो तो नेगेटिव हो नहीं सकता डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट एंड इमेज ठीक है फ्रॉम पोल ठीक है पोजीशन भी हम पोल से मेजर करते हैं और क्वेश्चन जो है उसमें कह रहा है डिस्टेंस जो है वो भी पोल से मेजर करना है ठीक दैट मींस हमें जहां पे भी कोई क्वांटिटी नेगेटिव आ रही है ठीक है उसे इनवर्ट करके उसका पॉजिटिव जो है वही चेक करना है ठीक ठीक है तो इसे पॉजिटिव बना देते हैं है जब हमें ग्राफ बनाना है ठीक यहां पर देखो ये वाला पार्ट जो है वो इस तरह से हो जाएगा ठीक F और ध्यान रखना ये इसके नीचे रहता है ठीक है इससे नीचे रह जाएगा ठीक आगे वाले पार्ट्स जो हैं, वो हमें ड्रॉ करके देखने की रिक्वायरमेंट नहीं है क्योंकि हमारा ये ऑप्शन जो है ये वाला पार्ट जो है यही मैच कर जाएगा मान लो हमें इसका इसे पॉजिटिव करके ड्रॉ करना है ये वाला जो पार्ट है ये वाला जो पार्ट है इसे U और V दोनों पॉजिटिव तो V तो इसमें पॉजिटिव है ही U जो है उसे भी पॉजिटिव इसका मतलब इस वाले एक्सेस में इसकी इमेज लेनी है ठीक तो ये कुछ इस तरह का हो जाता ठीक है इसकी इमेज लेकिन इसके बारे में क्वेश्चन में देख के लग रहा है कि ये वाला नहीं पूछ रहा है ठीक है केवल हमें यही वाला, वाला पार्ट जो है उसमें बता देना है तो हम करेक्ट ऑप्शन जो है वो सेलेक्ट कर लेंगे इस क्वेश्चन में एक फोर्स जो है वो गिवन है ठीक है फोर्स का पॉइंट ऑफ एक्शन जहां पे वो एक्ट कर रहा है वो भी गिवन है ठीक है हमें किसी दूसरे पॉइंट पे उस फोर्स का जो टॉर्क है उसका मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करना है तो इसे एक बार ड्रॉ करके देखते हैं एक्स वाई जेड ठीक है किसी पर्टिकुलर पॉइंट पी पे यहाँ पे एक फोर्स लग रहा है ठीक है इस पॉइंट का जो पोजीशन वेक्टर है उसे लिख देता हूं आर पी ठीक है हमें किसी दूसरे अलग पॉइंट इसे बोल देते हैं इस पॉइंट के अबाउट हमें टॉर्क जो है वो फाइंड आउट करना है ठीक तो यहां पे जो टॉर्क होगा अबाउट ओ ठीक इसे मैं लिख सकता हूं पोजिशन ऑफ पी रिलेटिव टू ओ ठीक है जिस पॉइंट पे टॉर्क कैलकुलेट करना होता है वहां से जिस पॉइंट पे फोर्स जा रहा है वो वाला वेक्टर पोजिशन वेक्टर क्रॉस मल्टीप्लाइड बाय एफ ठीक तो क्वेश्चन में देखते हैं क्या क्या वैल्यूज़ हमें गिवन है एफ जो है उसकी वैल्यू हमें गिवन है आई प्लस टू जे प्लस थ्री के ठीक है जिस पॉइंट पे फोर्स एक्ट कर रहा है आर पी ठीक है फोर्स जिस पॉइंट पे एक्ट कर रहा है वो है फोर आई थ्री जे माइनस के फोर आई प्लस थ्री जे माइनस के कैप ठीक है फोर्स जो है वो न्यूटन में और ये पोजीशन जो है वो मीटर में है किस पॉइंट के अबाउट कैलकुलेट करना है ठीक है वाला पॉइंट है आई प्लस टू जे प्लस के तो आर पी ओ जो है वो फाइंड आउट कर लेते हैं ये आ जाएगा हमारे पास थ्री आई कैप प्लस जे कैप माइनस टू के कैप और टॉर्क की जो वैल्यू है वो अब हम लिखेंगे आर पी ओ क्रॉस एफ क्रॉस प्रोडक्ट करने पे इसकी वैल्यू आएगी सेवन आई कैप माइनस इलेवन जे कैफ प्लस फाइव कै क्वेश्चन में हमें टॉर्क का मैग्नीट्यूड बताना है सेवन स्क्वायर प्लस इलेवन हमें रूट के अंदर जो नंबर है वही हमें आंसर के फॉर्म में फिल करना है तो यहाँ पे आंसर जो है इसका रूट कैलकुलेट नहीं करना है आंसर विल बी वन नाइनटी फाइव इन दिस क्वेश्चन ए कंपाउंड माइक्रोस्कोप हैज ऑब्जेक्टिव ऑफ फोकल लेंथ वन सेंटीमीटर एंड आईपीस ऑफ फोकल लेंथ फाइव सेंटीमीटर और दोनों जो हैं इनके बीच में सेपरेशन वो है टेन सेंटीमीटर ठीक है हमें फाइंड आउट करना है कि ऑब्जेक्टिव के सामने ऑब्जेक्ट को कितने डिस्टेंस पर रखें सो देट स्ट्रेस और स्ट्रेन ऑन आईज ऑफ दर्वर इज मिनिमम ठीक है तो एक बार डायग्राम बना के देखते हैं यहाँ पे ऑब्जेक्ट है ठीक अच्छा इस ऑब्जेक्ट की इमेज बनती है यहाँ पर ना ये हो गई फर्स्ट इमेज इन दोनों के बीच में जो सेपरेशन है ये होगा टेन सेंटीमीटर ठीक अच्छा जब ऑब्जर्वर की आईज पे स्ट्रेन लिस्ट होता है दैट मीन्स नॉर्मल एडजस्टमेंट एंड नॉर्मल एडजस्टमेंट केस में जो इमेज है वो इन्फिनेटिवे बनती है तो यहां से बनने वाली जो इमेज है वो इन्फिनेटी पे बन रही होगी ठीक तो एक लेंस आईपीस जो है उससे इमेज इंफिनेटी पे कब बन सकती है जब आई वन जो उसके लिए ऑब्जेक्ट है वो उसके फोकस पे रखा हो ठीक है सो so, फॉर इमेज टू तो बी फॉर्म एट इंफिनिटी आई वन शुड फॉर्म ऑनस आई पीस आई पीस है उसके फोकस पे बनना चाहिए इसकी फोकल लेंथ जो है वो गिवन है फाइव सेंटीमीटर इसकी फोकल लेंथ जो है वो गिवन है वन सेंटीमीटर ठीक है इसका मतलब ये वाला जो डिस्टेंस है ये फाइव सेंटीमीटर की इक्वल होना चाहिए दैट मींस जो ऑब्जेक्टिव से इमेज बन रही है आई वन ये वाला डिस्टेंस हो जाएगा फाइव सेंटीमीटर ठीक है तो हम बोल सकते हैं फॉर ऑब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव लेंस जो है उसके लिए v की वैल्यू हो जाएगी फाइव सेंटीमीटर ठीक यहां पे लेंस फॉर्मूला यूज करते हैं यहां से देखो हमारे पास जो यू है इसकी वैल्यू आ जाएगी माइनस फाइव बाई फोर सेंटीमीटर ठीक क्वेश्चन में हमें डिस्टेंस बताना है ठीक तो इसका मैग्नीट्यूड को लिख सकता हूं फाइव अपॉन फोर सेंटीमीटर। जिस तरह का फॉर्मेट में क्वेश्चन में पूछा है, तो हम लिख देंगे फिफ्टी डिवाइडेड बाय फोर्टी। ठीक है, तो हमारा आंसर जो है, वो हो जाएगा फिफ्टी। इस क्वेश्चन में दो सर्कुलर कोयल्स हैं C वन और C टू। दोनों कंसेंट्रिक हैं और सेम प्लेन में ही रखी हुई हैं। इस ये टू रेडियस आर ठीक है C1 के नंबर ऑफ टर्न्स n1 C2 के नंबर ऑफ टर्न्स n2 r1 की वैल्यू है वन सेंटीमीटर r2 की वैल्यू है ट्वेंटी सेंटीमीटर n1 की वैल्यू हमें गिवन है 500 n2 की वैल्यू 200 जो आउटर कॉयल है उसमें करंट आई फ्लो कर रहा है आई की वैल्यू टाइम का फंक्शन है टाइम के साथ चेंज टू वन सेकेंड ठीक तो क्या हो रहा है इसमें टाइम वेरिंग करंट फ्लो कर रहा है उसकी वजह से सीवन से जो लिंक्ड फ्लक्स है ठीक वो टाइम के साथ चेंज होगा और किसी कोयल में फ्लक्स टाइम के साथ चेंज होता है तो उसमें ईएमएफ इंड्यूस होती है ठीक सबसे पहले सी वन जो है उससे फ्लक्स फाइंड आउट करते हैं उसके लिए हम सी टू कोयल जो है उससे मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करते हैं एट सेंटर ड्यूटो सी टू इज़ुकल टू म्यू न� ये तो एक की वजह से हुआ मल्टीप्लाइड बाई एन टू देखो किसी भी सर्कुलर कॉइल के सेंटर पे उसमें करंट आई होती है तो मैग्नेटिक फील्ड आ जाता है रेडियस ठीक अच्छा फिर मैं लिख सकता हूं थ्रू सीवन सीवन से जो फ्लक्स है वो आ जाएगा मैग्नेटिक फील्ड एन टू फाइव स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई एन वन ठीक है ऐसे हम इसलिए लिख सकते हैं बिकॉज ये वाली जो कॉइल है ये बहुत ही स्मॉल है आर वन जो है बहुत छोटा सा है ना इतना बड़ा नहीं है आर वन वन सेंटीमीटर है तो लगभग इतना सा होगा ठीक तो हम कह सकते हैं सारे पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड जो है वो रफली यही वाली वैल्यू होगी नॉट आई आर वन स्क्वायर एन वन एन टू डिड बाई टू ठीक तो फ्लक्स जो है वो ऐसे लिख देंगे फिर देखते हैं एम एफ इंड बी सारी चीजेंट है एक्सेप्ट आई टू नोट एन वन एन टू डिड बाई टू डी आई बाई डी टी ठीक अच्छा आई इस तरह से गिवन है तो डी आई बाई डी टी देखते हैं डी आई बाई टी टी टू और जीरो पॉइंट एट मिली वोल्ट ठीक अच्छा जीरो पॉइंट एट मिली वोल्ट जो है वो डायरेक्टली आंसर नहीं है क्योंकि क्वेश्चन जो है उसमें इस तरह से पूछा है तो हम बस से बना देंगे फोर पॉइंट फाइव और हमारा आंसर जो है हो जाएगा फाइव इस क्वेश्चन में इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो एक मटेरियल का जो लेटेस है वहां से स्केटर होते हैं और इंटरफेरेंस पैटर्न जो है वो बनता है ठीक है हमें क्वेश्चन में गिवन है दैट फर्स्ट मैक्सिमा अकर्स एट एंगल ऑफ सिक्सटी डिग्री ठीक ये जो क्वेश्चन है ये डेविसन जर्मर एक्सपेरिमेंट पे बेस्ड है ठीक है और इसमें मैक्सिमा मिनिमा जो है उनकी पोजिशन ब्रेक्स लॉ ऑफ डिफ्रेक्शन के अकॉर्डिंग जो है वो हम कैलकुलेट करेंगे ठीक है, डी ब्रोगली वेवलेंथ लैम्डा, लेमडा जो है उसे लिख सकता हूं एच डिवाइडेड बाई टू एम e जो है वो हो जाएगी काइनेटिक एनर्जी ध्यान रखना है यहां पे काइनेटिक एनर्जी जो है वो हमें जुल में रखनी है ठीक है बट क्वेश्चन में जो काइनेटिक एनर्जी हमें पूछी गई है वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में बतानी है

डी जो है वो होता है एंटर एटोमिक स्पेसिंग इंटर एटोमिक स्पेसिंग ठीक है जो एटम्स हैं उनके बीच में कितना स्पेस है क्योंकि उनके पास से ठीक है एटम की जो बाउंड्री खत्म होती है वहीं से तो इलेक्ट्रॉन जो है वो क्रॉस होगा ठीक तो फर्स्ट मैक्सिमा फर्स्ट मैक्सिमा मीन्स एन इज इक्वल टू वन और थीटा की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है सिक्सटी डिग्री तो यहां से देखो लेमडा जो है वो आ जाएगा हमारे पास टू डी थीटा सिक्सटी तो इसकी वैल्यू जो है वो हो जाएगी साइन सिक्सटी लेमडा की वैल्यू हो जाएगी रूट थ्री डी ठीक लेमडा की वैल्यू यहां से रखते हैं हमारे पास आ जाएगा एच डिवाइडेड बाई टू एम ईजल टू रूट थ्री डी इस वैल्यू को आगे काम में लेते हैं ई e. E जो है वो आ जाएगा एच स्क्वाइडेड बाई सिक्स एम डी स्क्वायर ठीक डी की वैल्यू हमें क्वेश्चन में गिवन है वन एंगस्टा

इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करना है इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट तो जीरो पॉइंट एट जीरो सेवन फाइव मल्टीप्लाइड बाई ट पावर माइनस सेवनटीन डिवाइडेड बाई वन पॉइंट सिक्स इंटू टेन टू द पावर माइनस नाइनटीन ठीक ये आ जाएगी इलेक्ट्रॉन वोल्ट तो एनर्जी जो है वो आ जाएगी रफली हमारे पास फिफ्टी पॉइंट फाइव इलेक्ट्रॉन वोल्ट ठीक है एनटी ने इसका आंसर जो है

फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में पहुंच जाता है ठीक है पार्टिकल्स के जो हैं और हाइड्रोजन का जो मास है वो दोनों ही यहां पर गिवन है ठीक है हमें पार्टिकल की एनर्जी जो है इसकी कानेटिक एनर्जी जो है उसे क्या लिख देता हूं ये इधर जा रहा था ठीक यहां पर हाइड्रोजन हाइड्रोजन का मास एमएच से लिख देता हूं ठीक और दोनों में कोलिजन होता है आफ्टर कोलिजन जो पार्टिकल है वो तो रेस्ट में आ गया हाइड्रोजन जो है वो पहले रेस्ट में था ठीक है और अब हाइड्रोजन जो है वो मूव कर रहा होगा ठीक है मान लेते हैं हाइड्रोजन जो है वो स्पीड भी से मूव कर रहा है ठीक दोनों के मासेज जो हैं, वो एनर्जी के टर्म्स में गिवन है मास ऑफ पार्टिकल m ये गिवन है हमें 200 MeV अपॉन सी स्क्वायर. मास ऑफ हाइड्रोजन ये गिवन है 1 गीगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट गीगा मींस 10 टू द पावर 9 मेगा मींस 10 टू द पावर 6 तो 1 गीगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट मींस 1000 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट बाय स्क्वायर. अगर मैं दोनों का रेशियो लूं तो ये हमारे पास आ जाएगा m अपॉन mh इज इक्वल टू 0. अच्छा यहां पर देखो इस सिस्टम पे कोई भी बाहर से फोर्स नहीं लग रहा सो वी कैन अप्लाई कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम फॉर कोलिजन अप्लाई कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम नहीं यहां पे सिस्टम जो है उसका लीनियर मोमेंटम रहेगा अब इसका मोमेंटम जो है वो हम डायरेक्टली तो नहीं लिख सकते लेकिन काइनेटिक एनर्जी के टाइम में लिख सकते हैं टू एम के ठीक? ये इनिशियल है, फाइनल ठीक इस तरह से यहां पर आ जाएगा ठीक है तो वी जो है उसकी वैल्यू हो जाएगी टू एम के डिवाइडेड बाई हाइड्रोजन ठीक चलो और चलते हैं अच्छा यहां पर कुछ काइनेटिक एनर्जी का लॉस हुआ है ठीक है काइनेटिक एनर्जी का जो लॉस है वो इस हाइड्रोजन एटम को फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में पहुंचा देता है ठीक है तो हम काइनेटिक एनर्जी के लॉस को उस एक्साइटेशन एनर्जी के इक्वल कर सकते हैं लॉस इन काइनेटिक एनर्जी काइनेटिक एनर्जी का लॉस जो है वो हो जाएगा इनिशियल काइनेटिक एनर्जी माइनस फाइनल हाफ मास ऑफ हाइड्रोजन वी स्क्वायर ठीक अच्छा यहां पर देखते हैं के माइनस इसका स्क्वायर करते हैं जब हम इसका स्क्वायर करेंगे तो हमारे पास आएगा एम के डिवाइडेड बाई एम एच इज इक्वल टू के वन माइनस एम डिवाइडेड बाई एम एच ठीक है ये आ गया हमारे पास काइनेटिक एनर्जी का लॉस फिर लिखते हैं फर्स्ट एक्साइटेशन एनर्जी जो हाइड्रोजन एटम है उसके लिए फर्स्ट एक्साइटेशन एनर्जी थर्टीन पॉइंट सिक्स वन माइनस वन पॉइंट टू स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट तो ये जो एक्साइटेशन एनर्जी है ये आ जाएगी टेन पॉइंट टू इलेक्ट्रॉन वोल्ट के इक्वल ठीक ये जो एक्साइटेशन एनर्जी है दिस इज एक्जैक्टली इक्वल टू लॉस इन काइनेटिक एनर्जी ठीक तो काइनेटिक एनर्जी में जो लॉस है वो आ गया हमारे पास के वन माइनस एम अपॉन एमएच एम अपॉन एमएच का रेशियो जो है वो हम पहले ही कैलकुलेट कर चुके हैं इज इक्वल टू टेन पॉइंट टू ठीक तो ये आ जाएगा ज़ीरो पॉइंट एट और यहाँ से हम लिख देंगे K इज़ इक्वल टू ट्वेल्व पॉइंट सेवन फाइव इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो क्वेश्चन में जिस तरह से पूछा है तो हम लिख देंगे फिफ्टी वन डिवाइडेड बाई फोर इलेक्ट्रॉन वोल्ट और हमारा आंसर जो है वो फिफ्टी वन हो जाएगा